हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में सस्पेंशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो सस्पेंशंस होता है, ये कोर्स डिस्पर्शन होता है और ये एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का एग्जांपल्स होता है। जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस होता है, इसमें जो हमारे ड्रग होते हैं या फिर जो सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं, ये मीडियम में डिजॉल्व नहीं होते हैं और ये पूरे लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होते हैं, जैसे कि आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। और इसमें जो सॉलिड्स का पार्टिकल साइज होता है, ये ग्रेटर देन 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है। वही बात करें हम सस्पेंशंस की प्रॉपर्टी का, तो ये जो सस्पेंशंस होता है, ये कोर्स डिस्पर्जन का एग्जांपल्स होता है। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जो हमारा कोर्स डिस्पर्जन होता है, ये ब्राउनियन मोमेंट्स ऑन नहीं करता। और ये जो सस्पेंशंस में जो डिस्पर्स सॉलिड्स पार्टिकल है, ये सॉलिड्स पार्टिकल समय के साथ सेडिमेंटेशन शो करेंगे। एवं ये जो सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं, इस सॉलिड्स पार्टिकल के पास सरफेस होता है, जिसके कारण ये सरफेस प्रॉपर्टीज शो करेंगे। एग्जांपल्स के तौर पे ये एडजॉर्प्शन शो करते हैं जो हमारे सस्पेंशंस होते हैं। सस्पेंशंस को हम नॉर्मल आइज एवं लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशंस के थ्रू। एग्जांपल्स की बात करें तो जो भी हमारा आरबीसी एवं जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये सस्पेंशंस होते हैं हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस के अंदर। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है ओरल, सेकंड है टॉपिकल एवं थर्ड है पेनिट्रल। आइए सबसे पहले हम ओरल सस्पेंशंस के बारे में स्टडी करते हैं। ओरल सस्पेंशंस के अंदर ऐसे ड्रग आते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं हमारे एक्वस वेहिकल में। एग्जांपल्स की बात करें तो एंटीबायोटिक, और ये लंबे समय तक रखने पे एक्वस मीडियम में अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसे जो ड्रग होते हैं, ये ड्राई पाउडर के रूप में प्रेजेंट होते हैं डोजेज फॉर्म में, और जब इसकी हमें ज़रूरत होती है तो रिकंस्टिट्यूशंस के थ्रू हम इसको एक डोजेज फॉर्म तैयार कर लेते हैं सस्पेंशंस के रूप में और उसको हम यूज़ करते हैं। और ऐसे ड्रग को यूएसपी के अंदर, ऐसे ड्रग को लेबल किया जाता है यूज फॉर ओरल सस्पेंशंस। ओरल सस्पेंशंस के दो मोस्ट एग्जांपल्स है, जिसमें फर्स्ट है एंटीबायोटिक एवं सेकंड है एंटासिड्स। वही जो हमारा एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो सस्पेंशन आता है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है रेडियो ओपेक एवं जो सेकंड है वो है लीजंस, जिसका उपयोग हम डर्मेटोलॉजिक एवं कॉस्मेटिक में उपयोग करते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बात करें हम पेनिट्रल सस्पेंशंस का, तो ये जो पेनिट्रल सस्पेंशंस होता है, ये कंटेन किया होता है 0.5% से लेकर 30% तक सॉलिड्स पार्टिकल्स को। और ये जो पेनिट्रल सस्पेंशंस होता है, इस पेनिट्रल सस्पेंशंस का जो मीडियम होता है, उस मीडियम के विस्कोसिटी एवं जो पार्टिकल साइज होता है जो कि उसमें डिस्पर्स होते हैं, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर विस्कोसिटी मीडियम रही तो जो हमारा ड्रग है, ये इंजेक्शंस के नीडल से इजीली क्रॉस कर पाएगा। एवं अगर पार्टिकल साइज बिग हुआ तो जो हमारे इंजेक्शंस का नीडल है, उसके अंदर ये ब्लॉक हो जाएगा और हमारा जो पेनिट्रल सस्पेंशंस है, ये हमारे बॉडी के अंदर डिलीवर नहीं होगा। आइए हम सस्पेंशंस के आइडियल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट है जो भी हमारे सस्पेंशंस के अंदर डिस्पर्स फेज है या फिर जो सॉलिड्स पार्टिकल है, ये सस्पेंशंस के अंदर इजिली सेटल डाउन नहीं होने चाहिए। वहीं हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा जो पार्टिकल है, अगर ये सेटल डाउन होता है जब हम बोतल को शेक करें, तो इसमें जो सेटल डाउन हुए जो पार्टिकल्स है, ये रीडिस्पर्स हो जाए, ये केक का फॉर्मेशंस ना करे सिस्टम के अंदर। साथ ही जो हमारा सस्पेंशंस का मीडियम होता है, ये ज़्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सस्पेंशंस है, ये इजिली पोर हो सके अपने कंटेनर से। साथ ही अगर जो हमारा पेनिट्रल सस्पेंशन है, ये अगर ज़्यादा विस्कस हुआ तो ये इजिली हमारे इंजेक्शंस के नेडल के थ्रू क्रॉस करके हमारे बॉडी में डिलीवर नहीं होगा। आइए अब हम सस्पेंशंस की नेक्स्ट आइडियल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए होगा। एग्जांपल्स के तौर पे लोशंस, जो भी हमारा एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो सस्पेंशन रहेगा, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से वीक वैन डर वाल फोर्स के थ्रू अटैच रहेंगे, और जब उसको हम स्किन पर अप्लाई करेंगे फोर्स लगाकर, तो वो वीक वैन डर वाल फोर्स ब्रेक करेंगे और जो हमारा लोशंस है वो पूरे स्किन पे स्प्रेड हो जाएगा। और जैसे ही हम फोर्स जो अप्लाई किए हैं उसको हटाएंगे, तो जो हमारे वीक वैन डर वाल फोर्स है, ये आपस में से जुड़ के जो हमारे मॉलिक्यूल्स है सस्पेंशंस के,
वो एक इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, जिससे जो हमारा सस्पेंशन है ये लंबे समय तक हमारे स्किन पे बना रहेगा। आइए अब हम सस्पेंशंस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सस्पेंशन होता है इसमें जो सबसे लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम डिस्पर्स फेज कहते हैं। और ये जो डिस्पर्स फेज होता है, इस डिस्पर्स फेज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए हमारे सस्पेंशन में। जैसे कि जो भी हमारा ड्रग है उसके फिजिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए डिस्पर्स मीडियम में। साथ ही इसका जो पार्टिकल साइज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए और ये चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी फैक्टर के थ्रू, एवं इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है ये भी किसी फैक्टर के थ्रू रिड्यूस नहीं होना चाहिए। साथ ही ये जो हमारा पार्टिकल्स है इसके अंदर क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। हम ऐसे एजेंट्स ऐड करेंगे सस्पेंशन में जिससे कि जो हमारा क्रिस्टल ग्रोथ है उसको इनहिबिट करे। साथ ही जो हमारा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है ये चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में।